अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर आर फाइन। रमज़ान मुबारक टू आल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर एज यू नो वी वर रीडिंग आवर यूनिट टू, दैट इज डज ही रिमेंबर। ओके, हमने इसकी हाफ रीडिंग कर ली थी यहाँ तक कि आस्क माइक नर्वसली, कि माइक जो है नर्वसली या उससे पूछता है कि क्या ये नबी तुम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। यस केम द रिप्लाई, जी हाँ रिप्लाई मतलब जवाब आया। द बैंक कंटिन्यूड, जो पुकार जो भोंकना था वो जारी रहा। बट सिंस देयर वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन क्योंकि कोई विजिबल मूवमेंट यानी कि कोई मूवमेंट होती है हरकत करना, मूवमेंट होती है हरकत करना और विजिबल होता है दिखाई देने वाला। तो क्योंकि कमरे में कोई हरकत देने वाली दिखाई देने वाली हरकत नहीं थी, माइक वाज ऑफुल, माइक का यकीन था दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर, कि वो जो हाउंड्स हैं जो कुत्ते हैं वो शायद हिफाजती दरवाजे के पीछे हैं कहीं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू, लेकिन वो इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये सच है। माइक एज्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, क्या कहता है कि माइक किनारे से उसकी तरफ बढ़ता है नबील की तरफ। ठीक है, वेट देयर, वहीं रुको माइक, माइक वहीं रुको सर, नबील ने कहा। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम बट ओल्ड और मार्माडूक इज स्लीप हेयर बिसाइड मी, के जो बाकी होते हैं वो तो कमरे में बेडरूम में लॉक्ड है, ठीक है बंद है, लेकिन जो एक जो ओल्ड मार एक पुराना जो कुत्ता है जिसका नाम मार्माड्यूक है वो बिल्कुल मेरे पास करीब सोया हुआ है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि नेक्स्ट क्या मार्माड्यूक, वो फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है आगे क्वेश्चन मार्क है कि वो रानी से पूछता है कौन माइक के मार्माड्यूक एग्जॉस्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, एग्जॉस्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक, मेरा ज़्यादा वही ही बिल्कुल सुन अपने रास्ते में रुक गया, अपने ट्रैक यानी अपनी पटरी पर रुक गया। द ओल्ड मार्माड्यूक, पुराना मार्माड्यूक, द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप, वो कुत्ता जिसको मैं तंग करता था जब वो एक छोटा सा पप्पी था, ठीक है छोटा बच्चा था। यस रिप्लाइड नबील, जी हाँ नबील ने जवाब दिया। यू रिमेंबर मार्माड्यूक, तुम्हें मार्माड्यूक याद है। आई डू शडर माइक, माइक क्या करता है कि वो कांपते हुए बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है वो अब आर आर के बोलता है, पहले इट्स फिर दोबारा बोलता है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश, आई होप कि मेरे ख्याल में तुमने उसके गले में, लीश का मतलब होता है गले में फट्टा, ठीक है जो कुत्ते के गले में फट्टा डाला होता है उसकी बात कर रहा है कि तुमने उसके गले में फट्टा डाला होगा। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई यूज टू वरी हिम नो एंड, कि मैं उसे हमेशा परेशान करता था। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल ही विल रिमेंबर डैट फार बैक, कि उसे ये सब याद होगा। सैड नबील, नबील ने कहा इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, वो अब बूढ़ा है और देख नहीं सकता। एंड लाइक्स टू स्लीप, और सोना पसंद करता है। एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, और नहीं वो लीश में यानी उसके गले में पट्टा नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है। कैन यू बी श्योर, क्या तुम यकीन है। आस्क माइक, माइक ने कहा श्योर फॉर व्हाट, किस बात का यकीन। आस्क नबील, नबील ने पूछा दैट इज़ एज स्लीप, कि वो सोया हुआ है। कैन यू कैन हियर एम सनोरिंग, कांट यू, के क्या यू कैन हियर हिम सुनोरें, कि तुम उसके खराटे नहीं सुन रहे। कांट यू, क्या तुम नहीं सुन रहे। नो नो, नहीं नहीं विस्पर्ड माइक, माइक ने सरगोशी से कहा। आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मुझे नहीं याद। ठीक है, जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप अब्रप्टली, जैसे ही अचानक से खराटे की आवाज़ आना बंद होती है। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टेड
सोफे का जो तारीख हिस्सा होता है वो हिलता है, अ लार्ज हेड पास्चराइज्ड, एक बड़ा सर उभरता है निकलता है, एंड टू ग्रेट नॉस्ट्रिल स्निप द एयर लाउडली, और जो दो बड़े नॉस्ट्रिल यानी कि जो नाक है उस वो क्या करता है कि वो हवा को तेज़ी तेज़ी सूंघते हैं, ठीक है, उससे मतलब सूंघने की आवाज़ आती है तेज़ तेज़ से। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक क्या करते हैं कि बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं निकालते। देन देयर वाज पॉज, फिर क्या कि वहाँ अफरा तफरी मच गई, द डार्क फार्म लीप्ड इन टू द एयर, ठीक है, डार्क फार्म था यानी कि जो उसका कुत्ते का जो साया था वो क्या करता है कि वो फिर हवा में उछलता है, अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ ऑफ द सोफ़ा, ठीक है, वो क्या करता है कि उछलता कूदता है, जल्दी से उछलता कूदता है सोफे से, स्नार्लिंग रैगिंग मार्मड्यूक, क्या करता है कि स्नार्लिंग रैगिंग मार्मड्यूक लीपिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स माइक, के उछलता कूदता मार्मड्यूक क्या करता है कि माइक की तरफ बढ़ता है, डाउन आउट द बैग बेंग फ्रॉम द डिस्टेंट रूम, क्या होता है कि जो साथ वाला जो बेडरूम था फासले पर उससे भी भौंकने की आवाज़ से आने लग पड़ती है, स्टॉप हिम, रोके इससे, डू समथिंग, कुछ करो, स्क्रीम माइक, माइक चलाया एज ही टू स्क्रैम्बल बिहाइंड लार्ज आर्म चेयर, कि ये वो बिल्कुल उसके करीब उछलता हुआ एक आर्म चेयर यानी वो जो जो हैंडल वाली चेयर्स होती हैं उन तक पहुंचा। नबील एक्टिव जस्ट इन टाइम, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग पिनिंग इट फिर्मली टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन, नबील क्या करता है एक्टिव जस्ट इन टाइम कि वो मौके पर कदम उठाता है और क्या करता है थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, वो अपने आप को कुत्ते के ऊपर फेंकता है या कुत्ते के ऊपर छलांग लगाता है, पिनिंग इट फिर्मली टू द फ्लोर, बिल्कुल उसे ज़मीन में डांस देता है, स्लोइंग इट डाउन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे, माइक सा हिज चांस, माइक अपना मौका देखता है, एंड टुक टू हिज हील्स इमीडिएटली, और तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता है, हीडिंग स्ट्रेट टू द फ्रंट डोर, सीधा बाहरी दरवाजे की तरफ तेज भागता है। नबील कुड नॉट कीप द रिथिंग एनिमल ट्रैप फॉर वेरी लॉन्ग, इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज एंड मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है, नबील क्या करता है कि उसने कभी भी जानवर को ट्रैप फॉर वेरी लॉन्ग के ज़्यादा अरसे तक जानवर को ट्रैप नहीं करता, इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, वो तकरीबन उतना ही बड़ा था जितना कि वो नबील था, एंड मच स्ट्रॉन्गर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। माइक रीच फॉर द डोर हैंडल, माइक क्या करता है कि दरवाजे के हैंडल के पास पहुँचता है, रेंच इट डाउन, उसे नीचे की तरफ करता है, पुल अप ओपन द डोर, दरवाजे को खींच के खोलता है, एंड शाउट आउटसाइड, और बाइक की तरफ भागता है, स्लैमिंग द डोर, द डोर फिर्मली बिहाइंड हिम, और क्या करता है दरवाजे को अपने पीछे मजबूती से बंद करता है, इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एज ही रेस्ट फॉर द गेट, क्या होता है कि ये कोई काफ़ी का ठीक है लम्बा नहीं था, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, वो अपने कंधों की तरफ वो क्या करता है कि अपने शोल्डर्स को देखता है, एज ही रेस्ट फॉर द गेट, कि जैसे वो गेट के लिए भागा, ठीक है, डोरा उससे रेस लगाए, माइक सा मार्मड्यूक्स ग्रेट पास, वो मार्मड्यूक्स के बड़े बड़े कदम को देखता है, अप अगेंस्ट द विंडो पैंस, ठीक है, खिड़कियों के एक जो खिड़की होती है उस तक वो क्या देखता है, उसके बड़े बड़े मार्मड्यूक्स के कदम देखता है, नेक्स्ट टू द डोर जो कि दरवाजे के बिल्कुल साथ थी, द एनिमल्स लार्ज अनसीन आइज ब्लेस लाइक कॉर्नर्स एंड हिज टीथ वर बेयर, थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर का, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग हमारा लेसन रह गया उसके हम लोग रीडिंग करेंगे, कुछ ही रहता है, हार्डली 3 to 4 लाइन्स हैं, ठीक है, देन हम इसकी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट अपने लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तब तक आपने क्या करना है कि आपने अपने ख़ुद से रीडिंग करनी है इस पूरे लेसन की, ठीक है, और मुश्किल वर्ड्स के आपने मीनिंग तलाश करने हैं और वो आपने लिखने हैं, ठीक है, सो इट वॉज आवर टुडेज लेसन, do your home task regularly, take care, Allah Hafiz.